गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रुपेश शाह, मैं कई सालों से कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग फुल मार्क्स इन अकाउंटेंसी स्टेटिस्टिक्स एंड सम स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग रैंक इन माई इंस्टीट्यूट एंड माई लेक्चर्स। सो आज हम FY BCom स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइनमेंट से। कंसाइनमेंट जो जनरल अकाउंटेंसी में आ रहा है FY BCom में, यहाँ पर जो यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जनरल अकाउंट में, वो तीन कंपलसरी यूनिट्स हैं, चौथा कंप्यूटराइज शेयरिंग होता है। तो जो तीन यूनिट्स होते हैं प्रैक्टिकली, एवरी यूनिट इज एलोटेड 25% ऑफ द वेटेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलरली व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर क्या होता है, हर एक यूनिट का एक बड़ा सम होता है। So what is happening, each unit is consisting almost 17 marks, और 17 marks में suppose we are talking about consignment, तो consignment का जो एक sum होता है उसका weightage 14 marks का होता है। तो 11th 12th में क्या था कि कुछ short sums आते थे, कुछ बड़े sums आते थे, लेकिन यहाँ पर almost in every unit they are asking one big sum of 14 marks। उसके बाद में एक MCQ होता है, जो वेटेज होता है, एक सम होता है पूरा, क्योंकि ये फुल सम बोलते हैं, लॉन्ग सम, उसके साथ में थियरी के MCQs आते हैं। सो इफ यू डिजायर, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट फुल मार्क्स इन अकाउंटेंसी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो बड़ा सम होता है, कुछ स्टूडेंट्स आधा छोड़ देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ एंट्रीज पोस्ट करते हैं, अमाउंट नहीं लिखते। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू गेट द फुल मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ चैप्टर्स। तीनों यूनिट ऐसे हैं जहां पर एक बड़ा सम आएगा 14 मार्क्स का एंड नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आज मैं वो सम लेने जा रहा हूं कंसाइनमेंट में। ये कंसाइनमेंट का पहला वीडियो है जहां पर मैं ऑलमोस्ट पूरे पॉइंट्स कवर अप कर रहा हूं। इसका इफेक्ट ये मिलेगा आपको, इसका बेनिफिट ये मिलेगा, अगर आपने एक ही लेक्चर किया है देन यू आर डूइंग एटलीस्ट 70-80% वर्क इन दिस यूनिट इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। सो बी श्योर, बी कॉन्फिडेंट, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑल्सो। सबसे पहले बात करते हैं कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। गुजराती शब्द धारो के अपने कंसाइनमेंट नो कहिए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट गुजराती वर्ड के भाई आड़त माल, सो दैट विल कंफ्यूज यू मोर। तो घना स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम में आएगा हो, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ द लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। अगर आप गुजराती मीडियम से भी हो तो आपको हिंदी तो पता चलता ही होगा। So I am mixing both the languages. Sometimes I am also giving you Gujarati words. तो इसका टेंशन नहीं लेने का, घना ने वो टेंशन हो कि भाई हमने मीडियम चेंज किया है तो अब हमको टर्म्स में पता नहीं चलेगा। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, या हम पे छोड़ दे। Now what is consignment? बराबर, consignment का मतलब क्या होता है। Suppose I am doing business in Ahmedabad, मेरे को मेरा बिजनेस सूरत, बड़ौदा, सुरेंद्रनगर या अदर स्टेट, अदर कंट्री में डेवलप करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अपॉइंटिंग, आई एम गोइंग टू अपॉइंट अ डीलर। अपने कोई डीलर ने अपॉइंट करीशु सपोज इन सूरत। सो माय प्रोडक्ट, सपोज आई एम मैन्युफैक्चरिंग सपोज एसी एयर कंडीशन। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अपॉइंटिंग अ डीलर, अपने एक डीलर अपॉइंट करीशु, वो शायद सूरत में, बड़ौदा में, जहां पे भी आपको बिजनेस करना है वहां पर हम अपॉइंट करेंगे। बराबर, मैं जरा वीडियो चेक भी करता हूँ कि ये बराबर हो रहा है या ऑलमोस्ट इट इज रनिंग। तो अभी डीलिंग हमारे बीच में क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे। सबसे पहले सपोज आप सूरत में हैं, मैं आपको माल भेजूंगा सूरत में, ओके, एंड वॉट आई विल डू, अगर मैं आपको माल भेज रहा हूं तो मेरे को माल भेजने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वाइल सेंडिंग द गुड्स आई हैव टू पे दोज एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय हो, कस्टम ड्यूटी हो, कैरेज हो, एटले गाड़ा भाड़ू कहिए ना अपने, कोई भी एक्सपेंसेस हो, हम लोग सबसे पहले मैं आपको माल बेचूंगा, आपको भेजूंगा, मैं मेरे एक्सपेंसेस पेड करूंगा। यहां से जो अहमदाबाद से सूरत तक आपको माल मैं भेज रहा हूं वो यूं ही नहीं पहुंच जाएगा,
मेरे को एक्सपेंसेस पेड करने पड़ेंगे, वो मैं बाद में यहां पर लिखता हूं। देन यू आर रिसीविंग, आपने माल रिसीव किया तो आपको भी एक्सपेंसेस पेड करने पड़ेंगे, आपको भी ऑक्रॉय भरना पड़ेगा, आपको भी वो कैरेज कैरेज पेड करना पड़ेगा। मैंने माल भेजा, मैंने एक्सपेंसेस पेड किए, आपने माल रिसीव किया, आपने भी एक्सपेंसेस पेड किए। अब क्या होने वाला है, आप मेरा माल, यू आर गोइंग टू सेल माई गुड्स। माल शब्द गुड्स इंग्लिश वर्ड, गुजराती के हिंदी वर्ड माल शब्द है, जेनो अपने बिजनेस करता हो। सपोज हमने आपको एसी भेजे, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेलिंग माई एसीज, बराबर। आप मेरा एसी सेल करेंगे, कैश में करेंगे, क्रेडिट में करेंगे, आप खुद परचेस करेंगे, लेकिन एनी हाउ यू आर सेलिंग माई गुड्स, बराबर। यू आर डूइंग इट फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, पॉसिबल थे। सो वॉट यू आर रिक्वायर, यू विल बी इलिजिबल फॉर कमीशन, यू विल बी इलिजिबल फॉर कमीशन ऑन द सेल्स दैट यू हैव मेड। आपने जो सेल्स किया है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, कमीशन। देन आई विल एक्सप्लेन इन द प्रैक्टिकल नंबर्स। मैंने माल भेजा या मैंने एक्सपेंसेस पेड किए, यस आपने माल रिसीव किया, आपने एक्सपेंसेस पेड किए, उसके बाद आप मेरा माल बेचेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू रिसीव द कमीशन ऑन इट। मैं वो भी समझाने वाला हूं कमीशन कैसा होता है, किस टाइप का होता है। पहले एक बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, सेंडिंग गुड्स, पेइंग एक्सपेंसेस, यू आर रिसीविंग गुड्स, यू आर पेइंग एक्सपेंसेस, एंड देन व्हाट विल हैपन, आई विल हैव टू पे यू कमीशन, बराबर। तो उसके बाद का स्टेप क्या होगा कि जो स्टॉक आपके पास बचेगा उसका हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये स्टॉक कितने का बचा है। सबसे मेन बात ये है जो पहला वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इनवॉइस प्राइस, ध्यान दें, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान यूनिट है। अगर एक ही सम आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहला वर्ड जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनवॉइस प्राइस। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉइस प्राइस, मैं यहां लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, मेरे एक आदत है, मैं कभी नोटबुक में ऐसा नहीं करता, मैं पूरा लाइव वर्क करता हूं, तो मैं यहां पर जो भी टोटल भी करने वाला हूं वो लाइव ही करूंगा, क्योंकि वो मेरे को नहीं पता। आई विल डू ऑल द वर्क एट द बोर्ड ओनली, बराबर, ये मेरी आदत है, मैं खड़े खड़े इस तरह से पढ़ाता हूं, बाकी कुछ मेरे को सेट नहीं होता। सबसे पहले इनवॉइस प्राइस, गुजराती शब्द भरतिया कीमत थाय, એટલે બિલ, ભરતિયો એટલે બિલ। હવે ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ કઈ રીતે નક્કી થાય, એટલે આમાં હું કહેવા એવું માંગુ છું કે સપોઝ મેને આપકો માલ ભેજા હૈ તો મેં મેરા પ્રોફિટ એડ કરકે હી ભેજને વાલા હું। સપોઝ 1000 કા આઇટમ હૈ, મેને 1000 કા ફેન ભેજા આપકો બેચને કે લિયે, તો મેં ક્યા કરને વાલા હું, ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ યાની ઇસમેં મેરા પ્રોફિટ એડ કર દુંગા, મેં આપકો 1200 મેં ભેજુંગા, દેન યુ વિલ એડ યોર પ્રોફિટ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ। इनवॉइस प्राइस मीन्स जो भी कॉस्ट होगी इसमें मैं प्रॉफिट ऐड करके ही आपको भेजने वाला हूं बेचने के लिए। गुजराती शब्द भरतीय कीमत थाय, इनवॉइस प्राइस नो मीनिंग भरतीय कीमत थाय, बराबर। ओके, तो यहां पर पहला वर्ड इनवॉइस प्राइस, एंड वी आर स्टार्टिंग द सम एंड द यूनिट विद दिस वर्ड, बराबर। तुमने कहा कि मैं थियोरी लिखाई नहीं, मैंने आपको कोई थियोरिटिकल पॉइंट दिया नहीं, लेकिन मेरा हैबिट यह है कि मैं जो प्रैक्टिकल सम लेने जा रहा हूं उसमें मैं सारे थियोरिटिकल पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकल नंबर्स के साथ ही एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। आपको सिर्फ याद एक ही बात रखनी है, मैं यहां पर दो अकाउंट बनाऊंगा, कंसाइनमेंट में जनरली दो अकाउंट होते हैं, नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट एंड नंबर 2 कंसाइनीज अकाउंट। मैंने माल भेजा, मैं मालिक, इट इज कॉल्ड कंसाइनर, कंसाइनर यानी मालिक, एंड कंसाइनी यानी वन टाइप ऑफ एजेंट। सपोज मैंने भेजा, मैं कंसाइनर हो गया, आपने रिसीव किया, आप क्या हो गए, कंसाइनी हो गए। इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? ओके,
सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन हाथ में ले रहा हूं, आपको मैंने पीडीएफ भेजा है, शायद आप बेटरली समझ सकेंगे। एक बार क्वेश्चन लिख दे या व्हाट एवर इज सेटिंग टू यू, लेकिन क्वेश्चन आपको मैंने भेजा ही है। मैं अभी क्वेश्चन हाथ में ले रहा हूं जो कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी कहां पर पूछा है। ये जो बुक है इसमें 14 नंबर एंड इट वॉज आस्क्ड इन सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ट्वाइस बट इट इज नेवर द लेस इंपॉर्टेंट फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी ऑल्सो। बहुत बढ़िया सब। On 1/7/15 भारत विजन कंपनी लिमिटेड बड़ौदा। मेरा नाम क्या है? भारत विजन कंपनी लिमिटेड। मैं कहां का हूं? बड़ौदा। सेंट 30 टीवी सेट्स ईच ऑफ 7500। मैंने आपको टीवी भेजे हैं, एक का प्राइस क्या है? 7500। इनवॉइस प्राइस 10,000 ईच टू माधव ऑफ राजकोट। मैं बड़ौदा में हूं, आप कहां पर हो? राजकोट में। मैंने आपको 30 टीवी भेजे हैं, एक का प्राइस क्या है? 7500 एंड इनवॉइस प्राइस कितना है? 10,000। मैं यहां लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस 7500, इनवॉइस प्राइस मैं बोल दिया अभी कितनी अमाउंट है, एक मिनट। इनवॉइस प्राइस 10,000 प्लस प्रॉफिट 2500 That will give us 10,000. Is it clear or not? परिवार बोलो छो। 30 टीवी सेट्स ईच ऑफ 7500। इले मैंने जो आपको टीवी भेजा है, एक का प्राइस क्या है? 7500। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस यानी बिल कितना ना मोकलियो? हमने भेजा आपको 10,000 का, यानी प्रॉफिट कितना ऐड हुआ? 2500। Is it clear? 100%? Sure? Okay. Let me go ahead. टू मिस्टर माधव ऑफ राजकोट, आपका नाम क्या है? माधव। हमारा नाम क्या है? भारत विजन कंपनी लिमिटेड। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? ओके। पर एक बात, मैंने आपको जो माल भेजा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 7500। आपको कितने में भेजा है? मैंने इनवॉइस प्राइस 10,000, यानी प्रॉफिट कितना हुआ? 2500। बराबर। समटाइम्स ये लोग क्या बोलते हैं, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट समटाइम्स, तो आना कितना ऐड करवाना? 20%। आर यू गेटिंग? तो ये कोई भी वर्ड दे कैन यूज एनी वर्ड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वंस अगेन, अगर ऐसा कहा है कॉस्ट प्राइस 7500, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%, तो आना 20% ऐड करेंगे और जो आएगा वो क्या आएगा? इनवॉइस प्राइस। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? Cost price plus profit equals to invoice price. Everybody? Now, how to prepare the accounts? Bilkul simple rule of accountancy. Expenses are debited and incomes are credited. Simple या दिमाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो form बनाने वाला हूँ पूरे chapter में यही form होगा। बराबर। मैंने आपको 30 TV sets भेजे हैं। Okay? मैं फिर एक बार यहाँ देख लेता हूँ। या 30 TV sets। ओके। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बोर्ड पर करके बताता हूं, पूरा बोर्ड पर ही रहेगा। ओके। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैं शॉर्ट में रख लू टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30 है, एक का प्राइस 10,000 यानी 3 लाख। Let it clear it. मैंने आपको कितने टीवी सेट्स भेजे? 30। कौन से रेट पर? 10,000, क्योंकि ये हमारा इनवॉइस प्राइस है। तो ये अमाउंट आएगा 3 लाख। थोड़ा सिस्टमेटिक में लिखता हूं, ये ब्रैकेट थोड़ा ज्यादा, एक मिनट। ओके। 30 टीवी सेट्स, एक का इनवॉइस प्राइस कितना है? 10,000। तो यहां मैंने लिखा 3 लाख। क्लियर? ओके। नाउ व्हाट द बेसिक्स इज, अगर मैंने इनवॉइस प्राइस यहां पर लिखा है, लो एक ही रखे आपको इनवॉइस प्राइस, तो अपोजिट साइड पर मेरे को प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। इट इज अ रूल ऑफ अकाउंट। बराबर। ये इनवॉइस प्राइस लिखियो, सामने क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट। तो यहां पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है?
तो 30 सेट्स पर 2500 यानी 75,000। लेट यू क्लियर दिस इन योर माइंड। आपने थोड़ा मोटो कर दिया अपने, क्योंकि नंबर्स आर बिगर। परिवार, सबसे पहले मैंने आपको माल भेजा, इट इज एन एक्सपेंस फॉर मी, मैंने डेबिट साइड पर लिखा एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। अगर यहां इनवॉइस प्राइस लिखा है तो यहां प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। कोई हम ना कहे कि डायरेक्ट 7500 चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इट इज जस्ट वन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के ऐसा करना होता है। यहां इनवॉइस प्राइस, यहां पर क्या लिखना होता है, प्रॉफिट। ओके, श्योर, ऑलवेज ऑल टाइम। लेट मी गो अहेड विद द वेरी नेक्स्ट पॉइंट। On consignment, sorry, the company paid 1000 for insurance, 1500 for freight and 500 for sundry expenses. मैंने आपको माल भेजा, तीन खर्चे किए, कौन कौन से मैं यहां लिख रहा हूं। टू कैश, सबसे पहले इंश्योरेंस 1000, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा कवर अप करना है मेरे को। इंश्योरेंस 1000, फ्रेट 1500, इसका गुजराती वर्ड फ्रेट का नूर होता है, अपने कहता था 11th 12th में नूर ने जका, इले फ्रेट यानी नूर। 500 फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, इज इट क्लियर, तो टोटल खर्चे हो गए 3000। इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है, दिमाग को बाजू में रखो। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, खर्चा हमेशा उधार है, बराबर। लेकिन मैंने पेड किए हैं, ये मेरी बुक है, तो यहां पर मैंने कैश लिखा है। डेबिट तो होना ही है क्योंकि एक्सपेंसेस है, लेकिन मेरी बुक है, मैंने पेड किए हैं, तो मैंने कौन से साइड पर लिखा है, डेबिट साइड। ओके, नाम में क्या लिखा है, कैश। देन आफ्टर बिल ऑफ 3 months, बिल इतने हुंडी। कुछ लोगों को यहां पर डिप्रेशन होता है, ये कहां से आ गया बिल, बिल इतने हुंडी। बहुत आसान फॉर्मूला से मैं समझाने जा रहा हूं, कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बिल का कोई भी पॉइंट आएगा, गुजराती वर्ड है लेनी हुंडी, बराबर। सो वेरी सिंपल लॉजिक ऑन विच वी आर डूइंग नंबर टू, बिल्स इंटू रेट इंटू पेड। आपने 11th 12th में ऐसे बहुत कैलकुलेशन किए हैं, लोन इंटरेस्ट पीरियड, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पीरियड, सेम गुजराती में कहिए ने, हुंडी ने रकम, व्याज नो दर अने मुदत, कसूत नहीं करवाना। पर घना लोगों ने सुन के बिल्स वर्ड आता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार कुछ भी नहीं है इसमें। सो लेट मी एक्सप्लेन बिफोर आई गिव द सॉल्यूशन। ये एक वस्तु के लिए कंपनी ड्रू ए बिल ऑफ 3 months ऑफ 1,50,000, कितने का बिल है, 150 का। ट्वेल्व परसेंट रेट है, पीरियड कैसे काम करेंगे, सॉरी रेट 12% अने पीरियड जो लो। बिल ऑफ 3 months ऑफ 1,50,000 ऑन मिस्टर माधव which was written immediately, आप बद्दु जवाब, forget about all, क्या रहे ने mature करेंगे, 4-8-10, जो तो, on 4-8-10, the company discounted the bill, जो, 1-7-2, 4-8-3 discount करें, after 1 month, are you waiting, गणा दिन पहले 3 दिन कहां से आ गए, वो days of grace होते हैं, छूटना दिवस हो, forget about it, चलो ये पता चला, हाँ, रेट आप इट इज ऑल्सो गिवन ना, डेट इज 1-7 एंड इट इज डिस्काउंटेड ऑन दिस डेट। कितने महीने के बाद डिस्काउंट किया, 1 महीने के बाद। मैं वंस अगेन आई एम डिक्टेटिंग, मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूं आपको 80% क्लियर हो जाए आज यहां पर। 3 months बिल ऑफ 1,50,000, 3 months बिल ऑफ 1,50,000, 3 months बराबर, एंड इट इज डिस्काउंटेड आफ्टर 1 month। तो डिस्काउंट कैसे लेंगे,
3 - 1 = 2 months परिवार, 3 महीने का बिल है या कौन से डेट का है ये? आपने कब डिस्काउंट किया? बैंक में क्या है बटायू 4-8 आफ्टर 1 month गणर को डेज काउंट करे थे, डेज ऑफ ग्रेस कहवाए, छूटना दिवस हो, नो नीड टू कैलकुलेट इट। 3 महीने का बिल 1 महीने के बाद डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट कितने महीने का होगा? 2 महीने का। 3 - 1 = 2 दैट विल गिव अस 3000। सपोज 4 month का बिल था, 1 महीने के बाद डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट कितना होगा? 4 - 1 = 3। कोई भी पॉइंट हो यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधर ही बोलू 4 महीना नहीं गुंडी 1 महीना पची बट्टा भी हो तो डिस्काउंट कितलो गणा है? 4 - 1 = 3। यहां पर क्या सिनारियो है? 3 - 1 = 2 बराबर। लिखेंगे कैसे? 3000 आप कैलसी में भी चेक करते रहना क्योंकि मेरे को कैलसी नहीं पाता है, मैं यू ही काउंट करूंगा। 2 bills डिस्काउंट 3000 एंड यू आर एक्सेप्टिंग माय बिल, तमें स्वीकारी छे तो अहिया बाय बिल्स 1,50,000। ये थोड़ा दिक्कत वाला है, बेसिक रिक्वायर्ड है लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने एक्सेप्ट किया है तो बिल का अमाउंट आपके यहां क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, बिल्स पेयर बैंक फ्री ऑफ चार्ज ना करे, वो आपसे डिस्काउंट लेगा तो ये आपका क्या होगा? खर्च होगा, बिल का खर्च होगा। उन्डीनो बटा उठे वाया नहीं, कायम आउट था, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, मैं जरा वीडियो चेक करता रहता हूँ, एवरीथिंग इज ओके या ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी गो अहेड। उसके बाद फिर कमीशन का एडजस्टमेंट है वो हम बाद में लेंगे क्योंकि सेल्स के बगैर लेकर क्या करेंगे। नाउ यू कैन चेक दैट ऑन 31/12/15 माधव सेंट एंड अकाउंट सेल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर द अमाउंट यू। ठीक है जवाब, डेट बोलो कौन सी है? 31/12/2015 तमें मने अकाउंट आपो छो, यू आर सेंडिंग मी द अकाउंट। ओके, तो आपका हिसाब आप मेरे को भेज रहे हैं। He paid 300 for octroi and carriage inward. He इतने कौन? माधव, you are माधव, you have paid 300 for octroi and 1500 for carriage. Expenses are debited and यहाँ पर किसने paid किए हैं? आपने, तो मैं यहाँ short में लिख रहा हूँ to माधव। कौन से expense है? octroi 300, carriage 1500. कैरेज का मतलब होता है गाड़ा पाड़ो, गुजराती शब्द कैरेज गाड़ा पाड़ो। ओके, टोटल आपने कितना पेड किया? 1800। सिंपल लेजर पोस्टिंग, यहां डेबिट है तो यहां क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट 1800। इज इट क्लियर? डेबिट क्रेडिट सिंपल। नेक्स्ट, नाउ द सेल्स आर टेकिंग प्लेस। आपने जो भी सेल्स किया है वो मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि ये चैप्टर भी इतना इसका सम बड़ा होता है, सो आप कंटिन्यू ही रहना। नंबर 3 सेल्स, ओके, व्हाट इज सेड अबाउट इट? नंबर 1 यू कैन से देयर इज एन एडजस्टमेंट नंबर 2, 3 एंड 4 सो सबसे पहले He sold 15 TV sets at 11,500 each, cash, 11,500, okay, 1 minute. It is 170 to 500, okay, या मैं कैसे यूज नहीं करता तो इस तरह से करता हूँ, मैं रबा आउट कर दूं जो मैंने काम किया वो 15 और उसका प्राइस क्या है 11,500 फॉर कैश। ही सोल्ड 15 टीवी सेट्स एट 11,000 सॉरी आई गो ही सोल्ड 5 टीवी सेट्स एट 12,500
टू निखिल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट निखिल, फाइव 12,500। हाँ कैसे हाथ में रखना तो कोई दिक्कत ना हो जाए। पर एक बार ही सोल्ड 5 टीवी सेट्स एट 12,500 ईच टू निखिल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट ओके लगती है चैनल क्रेडिट। उसके बाद ही सोल्ड 3 टीवी सेट्स एट 10,500 ऑन क्रेडिट टू मिहिर, क्रेडिट मिहिर 3 10,500 315। आगे कुछ वर्ड्स नया लिखा है ऑन रेकमेंडेशन ऑफ अ कंपनी, रेकमेंडेशन यहां लिखे दोस्तों रेकमेंडेशन बराबर, ऑन रेकमेंडेशन ऑफ अ कंपनी बराबर ओके द सेल्स आर ओवर। परिवार पूछो आप यहां ध्यान रखें ही सोल्ड 15 टीवी सेट्स एट 11,500 फॉर कैश, हो गया पर बोलो समझाओ छो। ही सोल्ड 5 टीवी सेट्स एट 12,500 टू निखिल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट निखिल को बेचा। देन आफ्टर ही सोल्ड 3 टीवी सेट्स एट 10,500 टू मिहिर ऑन क्रेडिट ऑन रेकमेंडेशन ऑफ अ कंपनी। तो मैं टोटल भी कर लेता हूं 266,500। मैं तीनों सेल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस 3 सेल्स। नंबर 1 कैश, कैश का मतलब क्या होता है, आपने माल बेचा इमीडिएटली पेमेंट आपको मिल गया दैट इज कॉल्ड कैश। नंबर 2 क्रेडिट, आपने माल बेचा है पैसा अभी नहीं मिला है बाद में मिलेगा बराबर। लेकिन तीसरा कौन सा है, मिस्टर मिहिर को क्रेडिट है ऑन रेकमेंडेशन ऑफ माइन, रेकमेंडेशन ऑफ द कंपनी, समझो ना मीनिंग होता है। चलो परिवार कैश एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, आपने दे दिया टीवी और उसने दे दिया आपको पैसा। क्रेडिट टू निखिल, आपने निखिल को बेचा है मेरे को पता नहीं निखिल कौन है, बट थर्ड सेल्स क्रेडिट टू मिहिर लेकिन उसमें रेकमेंडेशन मेरा है, यानी आपको नहीं पता निखिल सॉरी मिहिर कौन है, मैंने आपको रेकमेंड किया कि आप मिहिर को 3 सेट 10,500 में बेचें। क्लियर, एक क्रेडिट सेल आपने अपने आप किया है निखिल को और दूसरा मेरे कहने पर किया है, किसको किया है आपने मिहिर को, इज इट क्लियर। टोटल सेल्स 266,500 टोटल जो मैंने किया है, चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता नहीं कैसे, और आंसर भी अभी देखेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। बट मिस्टर माधव सेल्स 266,500 क्रेडिट दिल्ली टू कंसाइनमेंट, जगह दे दो आपको लग चुका 266,500। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग कमीशन ऑफ योर्स, तो यहां पर लिखेंगे नंबर 4 कमीशन, मैं पढ़ रहा हूं एडजस्टमेंट कमीशन का व्हाट इज इट। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है लेकिन सम्स इसके लंबे ही होते हैं तो यहां हम कुछ नहीं कर सकते, यू शुड कंटिन्यू, एक ही सम आपकी मार्कशीट बदल देगा ओके। लेट मी गो अहेड, कमीशन आगे के पेज में था। अंडर द एग्रीमेंट द माधव इज एंटाइटल, एंटाइटल इज हकदार एनो राइट है, माधव इज एंटाइटल टू गेट 5% जनरल कमीशन 3% डेल ट्रेडर कमीशन, समझाओ 5% जनरल 3% डेल ट्रेडर ओके। मैं यहां लिख रहा हूं जनरल कमीशन का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है। नंबर 1 ओके जनरल यानी आपने जो टोटल सेल्स किया है उस पर जनरल कमीशन 30, टोटल सेल्स कितना था 266,500, उसका मैंने यहां 5% किया, आप कैसे हाथ में रखे, मेरी गलती है तो आप बोले ओके, कभी कभार हो भी सकता है। डेल ट्रेडर आपने जो रिस्क लिया है उस पर जो एडिशनल कमीशन मिलता है उसे डेल ट्रेडर कमीशन बोलते हैं।
आपने जो सेल्स किया है, आपने जो रिस्क लिया है, इट इज योर रिस्क। तो आपका रिस्क कौन है यहां पर? निखिल। और मेरा रिस्क कौन है यहां पर? मैं। लेकिन आपने निखिल का रिस्क लिया क्रेडिट बेचकर, उस पर जो कमीशन आपको मिलेगा एडिशनल, उसे क्या बोलेंगे? डेल ट्रेडर कमीशन। इट इज योर रिस्क टू होम यू हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, तो डेल ट्रेडर इसके आई थिंक 3% है, फिर मैं देख लेता हूं। फिर भी लेट मी चेक, 3% था, मैं भूल जाता हूं भाई, 5% जनरल, 3% डेल क्रेडिट एंड टू एडिशन ऑन द प्रॉफिट। वो प्रॉफिट आएगा तो देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? अभी कमीशन हो रहा है 15,200, एक बार फिर चेक कर ले। ओके, यहां मैं लिख रहा हूं, मेरे को आपको देना है, मेरा एक्सपेंस है। इसका फॉर्मेट आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी यही फॉर्मेट रहेगा, कंसाइनमेंट का कभी नहीं बदलेगा। टू माधव कमीशन दैट वी हैव गॉट 15,200 एंड इमीडिएटली यहां लिखेंगे कमीशन 15,200। लेट इट बी क्लियर। ओके, नाउ we are going ahead with the very next point. Commission हो गया, देखते हैं आगे क्या होता है। Number 5, मिहिर एंड निखिल बोथ द डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब नादार, बिजो वर्ड से बैंकक्रप्ट। बोथ द डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड दे पेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 85 पैसा एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली। ओके, ये पॉइंट भी जो है ओके, इसका मतलब क्या होता है? आपने दो क्रेडिट सेल्स किए, नंबर वन निखिल, दैट आई एम नॉट नोइंग हु इज निखिल, बट द सेकंड पर्सन मिस्टर मिहिर, जिसको मैंने रेकमेंड किया है, रेकमेंड इन भलामण, इसलिए मैं तुमने कौन ही भलामण करी है मिहिर ने ना, बोथ आर इंस्टॉलमेंट, बंदे नादार थया, तुम्हारे कौन ही जोड़े लेवा देवा है निखिल, अने मारे कौन ही जोड़े लेवा देवा है मिहिर जोड़े। तो यहां पर हम लिखेंगे मेरा रिस्क कौन है? मिहिर। क्या लगा दे उसको कहो जो दो क्रेडिट सेल्स है, एक आपने किया है, दूसरा मैंने रेकमेंड किया है, ये मेरा बुक है, आपने माल बेचा, आपको पैसे मिले या ना मिले मेरे को कोई निस्बत नहीं, लेकिन अगर मेरे वाला डिफॉल्टर होता है तो वो लॉस किसको बेयर करना है? मेरे को। क्या लगा दे तुम्हें आने माल बेचो डिफॉल्टर था, हमारे कोई लेवा देवा नहीं, मैंने आपको कमीशन दे दिया, लेकिन मैंने किसका रिफर किया था? मिहिर का। सो मिहिर का जो लॉस है वो मेरे को यहां बताना पड़ेगा और आपको इतने पैसे कम देने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूं व्हाट आई मीन। टू माधव बेटर गुजराती शब्द गाथा, सॉरी माधव भी मिहिर छे, सॉरी नाम मानस मिहिर। मैं यहां देख रहा हूं मिहिर एंड निखिल बोथ द डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दे पेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 85। हमको किसका, मेरे को किसका देखना है? सिर्फ मिहिर का, क्योंकि मैं निखिल को पहचानता नहीं, वो आपकी जवाबदारी है, मिहिर मेरी जवाबदारी है। तो मिहिर कितना दे रहा है भाई? 85 पैसा। तो कितना लॉस होगा? 15 पैसा, दैट इज कॉल्ड बैड डेट अथवा कालखात। 15 पैसा मिस्टर मिहिर, मिहिर को देने के थे 31,500, लेकिन कितना नहीं दिया? 50% नहीं दिया। ओके, मैं यहां कैलकुलेट कर देता हूं, बराबर ओके 15%, सो इट इज टू बी काउंटेड 4725। यहां पर लिखेंगे बैड डेट 4725। मैंने रेकमेंड किया था तो ये मेरा लॉस हो गया 4725। क्या क्या मैं बताया, मैं अकाउंट भी करूं, अने इतनी अमाउंट तुम्हारे ओछी आपवी पड़े डेबिट क्रेडिट।
आप में से इतना अमाउंट क्या कर दिया मैंने, लेस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 13/9/15 इन माधव गोडाउन 2 TV sets वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 12,000। लॉस तो होना ही था और हुआ ही है। कितने टीवी सेट्स बर्न थे, आग लगी तुम्हारा गोडाउन में, 2 TV sets वर डिस्ट्रॉयड, टोटली टूटी गया, कितना 2 TV sets, ओके, एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 12,000। 2 TV sets destroyed. Video check कर लो. Now it is everything is okay. Length is increasing, but we are helpless. Okay. 2 TV sets destroyed. मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. Number 5. Abnormal loss. बराबर. कितने TV हैं? 2 TV. What the rule is? Loss is calculated on always cost price. लॉस में कभी प्रॉफिट ऐड नहीं किया जाता। यहां पर हमारा कॉस्टिंग कितना है, 7500। आर यू गेटिंग? लॉस कितना है, 7500। और पढ़ लो सूत्र, हो जाए 2 TV sets आर डिस्ट्रॉयड, लेकिन लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस विच इज 7500, दैट इज 15,000 प्लस। ओके, जो टीवी सेट्स आपके गोडाउन में डिस्ट्रॉयड हुए हैं उसमें मैंने भी खर्च किया है, आपने भी खर्च किया है। और पढ़े उन सूत्र, हो जाए मैंने माल भेजा, मैंने खर्च किया, आपने माल रिसीव किया, आपने भी खर्च किया, तो दोनों के एक्सपेंसेस यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ऐड। कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। प्लस भारत विजन्स एक्सपेंस, मैंने जो एक्सपेंस किया था कितना था, 3,000। 30 पर अगर 3,000 है तो 2 पर कितने होंगे। सिमिलरली प्लस माधव एक्सपेंस, 30 पर माधव के कितने हैं, 1800 है, तो 2 पर कितने, 120, यानी टोटल कॉस्ट हो गया 15,320। क्लियर? मैं कैलकुलेशन यूं ही करता हूं, तो पहले कैलकुलेट मैंने कर लिया, अब आपको समझाऊंगा। या बोर्ड पर दिख रहा है ना बराबर, या एवरीथिंग इज सेम प्रॉपरली। जो ये जो माल डिस्ट्रॉयड हुआ है वो काम पर हुआ है आपके गोडाउन में, मैंने माल भेजा, मैंने खर्चा किया, आपने माल रिसीव किया, आपने भी किया, तो मैंने दोनों के एक्सपेंसेस ऐड किए, लेकिन कितने टीवी पर, 2 पर। इंग्लिश वर्ड है प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस, गुजराती शब्द से प्रमाणसरना खर्चा है। तो जितना माल डिस्ट्रॉयड हुआ इसका कॉस्टिंग हुआ 15,320, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना लिया, 12,000, तो लॉस हो गया हमारा 3,320। लॉस हो गया 3,320। इज इट क्लियर? जो लो आगे दोस्तों है कि अगर ऐसा कुछ भी एक्सीडेंटल होता है उसके लिए हमने इंश्योरेंस लिया होता है। सो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 12,000 क्लेम, बाकी का क्या हुआ, लॉस। एंट्री कैसे आएगी, गोज आउट क्रेडिट, जाए तो जमा, आपका जो माल गया तो है ना, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, लॉस हुआ, ये बिल्कुल मैकेनिकल एंट्री है। हम ऐसे लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी 12,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, घना लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस लिखे छे 3320। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई जर्नल हमको पता नहीं चला, तो आप वो भी लिखे, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट परिवार, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट P&L डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर बार यहां पर कुछ नया नहीं होता, फॉर्मेट यही रहेगा। सो इट इज टू बी क्रेडिटेड नाउ। ओके, हो गया लॉस, कहां पर लॉस हुआ है, आपके गोडाउन में, तो मेरा खर्चा भी ऐड हुआ, आपका खर्चा भी ऐड हुआ, टोटल हुआ 15,320। कभी कभार क्या होता है कि लॉस ट्रांजिट में होता है, रास्ते में होता है, आपको माल मिला ही नहीं है और लॉस हुआ, तो आपके एक्सपेंस ऐड नहीं होंगे, आपके एक्सपेंस ऐड नहीं होंगे, किसके होंगे, मेरे। कब, ट्रांजिट में हुआ है तो, रास्ता में खड़े हुए तो।
Okay, let's go ahead now. I think everything is completed. What is remaining now? Yes, closing stock is remaining. लगभग बदो पते गए थे closing stock बाकी है. चलो simple common sense मैं यहाँ बताऊँ उसको. Number six closing stock send कितना भेजा था मैंने 30 sold कितना sold हुआ भाई 23 lost कितना हुआ 2 तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा 5 यूनिट्स. तसुन करें कितने टीवी भेजे थे मैंने आपको 30 आपने कितने बेचे 1, 2, 3 23 और 2 डिस्ट्रॉयड हो गए तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ 5 का. तो कैसे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 5 इनटू कितना है इनवॉइस प्राइस 10,000 यानी 50,000 क्लोजिंग स्टॉक किसके पास होगा आपके पास. मैंने माल भेजा मैंने खर्चा किया आपने माल रिसीव किया आपने खर्चा किया तो दोनों के एक्सपेंसेस यहां पर क्या करेंगे ऐड करेंगे. जो स्टॉक आपके पास है या डिस्ट्रॉयड हुआ लेकिन आपके पास हुआ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है दोनों के एक्सपेंस ऐड करेंगे. स्टेप यहां तैयार है लेकिन कितने यूनिट से यहां पर 5 तो कैसे लिखूंगा मैं प्लस भारत विजय 30 पर 3000 है तो 5 पर कितना. सिमिलरली प्लस माधव 30 पर 1800 है तो 5 पे कितना 300 तो ये हो गया 50,800 क्लोजिंग स्टॉक. जो काम ये किया था वही नीचे किया क्योंकि आपके वहां पर स्टॉक था. यहां मैं लिख रहा हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक शॉर्ट में लिख रहा हूं 50,800 अने यहां टू क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट आखिरी प्राइस रखी इनवॉइस प्राइस प्रॉफिट 5 यूनिट्स एंड 2500 यानी 12,500. कुछ लोग यहां पर टेंशन में आ गए कि इसने क्या कर दिया कुछ नहीं किया है. मैंने आपको माल भेजा इनवॉइस प्राइस सामने प्रॉफिट जो ये इनवॉइस प्राइस था यहां पर क्या हुआ प्रॉफिट. सिमिलरली ये इनवॉइस प्राइस है यहां पर क्या लिखेंगे प्रॉफिट. और एक परिवार वंस अगेन माल भेजा इनवॉइस प्राइस सामने प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस सामने क्या हुआ प्रॉफिट. हो गया. नाउ let me find the profit before ending the sum. तो यहाँ बाकी रही जैसे और तो जो ही ले लो क्योंकि मैं समझाने में कभी कभार दूसरा इतने ध्यान नहीं देता. मेन अकाउंट ये है कंसाइनमेंट अकाउंट बराबर. तो आई थिंक आई हैव टू फाइंड द प्रॉफिट नाउ. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. मैं सोच रहा हूँ कुछ बाकी नहीं ना क्योंकि मैं लाइव करता हूँ और यहाँ कोई कैलकुलेटेड सीट नहीं होती मेरे पास यही लाइव जो होता है वो देखा जाएगा. मैं लेट मी ट्राई टू डू द टोटल्स. तो ₹4,07,620 ओके इतना प्रॉफिट आ रहा है 67395. आई थिंक एक बार हम बुक में देख ले क्योंकि फिर पूरा गलत हो जाएगा. यहां जो सॉल्यूशन है वहां का प्रॉफिट 67395 या वी आर गेटिंग द सेम प्रॉफिट लाइव एंड वी आर टेलिंग विद योर बुक. एक पॉइंट अभी बाकी है सिर्फ 5 मिनट लगेंगे. इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और क्योंकि मार्क आपको पूरे मिलने वाले हैं. वीडियो ऑलमोस्ट तो बराबर दिख रहा है फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना. नहीं एवरीथिंग इज ओके सीन एवरीथिंग इन द वीडियो. थोड़ा फ्लैश आ रहा है बट लाइव वर्क में ऐसा होता ही है. वो कमीशन बाकी था एंटाइटल्ड टू गेट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज शेयर इन द प्रॉफिट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. अगर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट लिखा होता तो डायरेक्ट 10% करते लेकिन यहां पर लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट. गुजराती में बोलो
तेनु कमीशन बाद कर्या पछी वधता नफा ना 10%। तेनु कमीशन बाद कर्या पछी वधता नफा ना 10%। आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, 12th स्टैंडर्ड याद करे, 11th स्टैंडर्ड याद करे, इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट में कमीशन इंक्लूड है। तो मैं काम पर काउंट करूं, अभी जगह नहीं है, मैं यहां पर सेट करता हूं कमीशन 67395 10 upon 110, बराबर। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ऑकवर्ड है, 6127 पॉइंट में आ रहा है, मैंने नियर बर में फिर से कर रहा हूं, ओके इतना ही आ रहा है। ओके, कमीशन आपको देने का आखिर में बाकी नौ में दे रहा हूं आपको, टू माधव कमीशन इट इज 6127 अने हवे प्रॉफिट मळे 6127। इसका जो डिफरेंस आएगा यहां पर वो कहां जाएगा, बाय बैंक। यहां पर जगह नहीं है तो आप ये डिफरेंस ले लेना, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। चल ये डिफरेंस बैंक पे जाएगा, आप देखें बिल्कुल ध्यान से समझे, वीडियो को 2-3-4 बार देखें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और मेरा कंप्लीटली ये क्लेम है कि अगर ऐसे सम पाते हैं आपको, यू आर नेवर लूजिंग मार्क्स इन दिस चैप्टर इन दिस यूनिट, सो यू आर वर्किंग फॉर लॉट ऑफ मार्क्स आफ्टर दिस वीडियो। एक मिनट में थोड़ा बैक ले देता हूँ क्योंकि कुछ प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा है बोर्ड पर। ओके एक मिनट हो, I think now you are able to see the all the numbers. You can check and you can take even a screenshot. Sum bhi maine aapko bheja hai and I have completed all the work on the board. So I hope so ki ye jo main revise kar raha hu, ye jo main account ka lectures yahan par le raha hu, live lectures, you are knowing about it and if you are satisfied then tell me, comment on it and give suggestion to me. Okay, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।